4 is a car is moving at a speed of 42 by 3 kilometer per hour. It is given over there. How much distance will it cover in 9 by 10 hours? So, we have a formula like this, speed of the car and time. So, we are lucky right now that we have this hours and this hours. अगर ये दोनों के दोनों यूनिट अगर डिफरेंट होते तो हमें उनको सेम बनाना होता. तो चलो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है. लेट द डिस्टेंस बी एक्स. स्पीड का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया. डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड लिख दी. डिस्टेंस इज एक्स टाइम. दिस इज अ वेरी गुड स्टेप. नेक्स्ट हम जाते हैं. ये डिवाइड हो रहा है वो तो जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई. गुड. सो 9/10 ये कैलकुलेशन हमने यहाँ पे कर दी. 122/3 एंड यहाँ पर 9/10. ये स्टेप में कुछ गड़बड़ है. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस वे तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता था. यहाँ पे हम कर सकते हैं सी 3 × 1 and 3 × 3. ये कैंसिल हो गया. अब सीधा हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. 366/10 आएगा जो कि आंसर होगा 36.6. अब यहाँ पे जो स्पीड दे रखी थी वो किलोमीटर में है तो हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे किलोमीटर. तो ये आंसर गलत है. 36.6 किलोमीटर होगा. और एक फाइनल स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे. देयरफॉर द डिस्टेंस कवर्ड इन 9/10 आवर्स इज 36.6 किलोमीटर.